विकास की बात मुखिया जी के साथ इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत हार्दिक। मैं अशोक तिवारी समेदी न्यूज चैनल से। अभी हम पहुंचे हुए हैं हसनपुरा पंचायत के मुखिया हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि ये सात निश्चय पे क्या बताना चाहेंगे। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ये जो आपका पंचायत है इसमें कितने टोटल गाँव आते हैं? हमारे पंचायत में तीन गाँव हैं। ठीक है, कौन सा? और हसनपुरा, पिपरहिया और अलीपुर। वार्ड की संख्या कितनी? वार्ड की संख्या 10 वार्ड की संख्या है। चयनित वार्ड कितने हैं टोटल? चयनित वार्ड में क्या कहा जाए, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये विनम्रता है जी, कि जो पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा को चयनित वार्ड करना है, लेकिन वरीय अधिकारी उसको अपने स्तर से हैंडल करके और सारे वार्डों को चयनित कर लिए। सीधे सीधे ग्राम सभा में हस्तक्षेप वरीय अधिकारी के द्वारा किया गया है। माना जाए कि सब 10 के 10 वार्ड चयनित होंगे। 10 वार्ड चयनित, जब वरीय अधिकारी चयनित कर करके भेज दिया तो मान के चलेंगे 10 वार्ड मेरा चयनित है। ऐसे अभी फिलहाल कितना वार्ड चयनित? अभी मेरे यहाँ 5 वार्ड में अभी कार्य चल रही है। 5 वार्ड में मेरा कार्य। ये सात निश्चय योजना आपके अनुसार कैसी योजना है? मेरे अनुसार अगर सात निश्चय योजना को हमको ये कहने में कहीं दो राय ये नहीं है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सात निश्चय, उन्होंने सात निश्चय का जितना उन्होंने ढिंढोरा पीटने के जो काम किए, मेरे लाइक मेरे द्वारा अगर मेरे से अगर पूछना चाहते हैं, आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम एक चीज़ कहेंगे कि भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी अड्डा हो गई है सात निश्चय, खासकर सात निश्चय। और उसका कारण ये है कि जहाँ ग्राम सभा कार्य करती थी, मुखिया और सचिव के माध्यम से काम होता था और अच्छे ढंग से हम लोग काम करते थे, विकास मिश्र ने भी होती, हम तो आज के नहीं, हम तो 2001 से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं जी जी। और कल में और आज में इतना फर्क महसूस हो गया है। कल हम लोग वार्ड सदस्य के अधिकारी के बैठक करते थे, कोई भी किसी करते फैसला करते थे, हम लोग मिल के पूरा की तरह काम करते थे। आज स्थिति ये बन गई है कि वार्ड सदस्य के द्वारा अपने घिंचा चल रहे हैं, हमारे से हमसे बात करने की स्थिति में नहीं है वो लोग। और इस परिस्थिति में सोचिए कि जब परिवार में 2 परिवार 10 परिवार में 5 परिवार अगर आपके विरोध में खा रहे हैं और आपके मतलब बातों से एग्री नहीं करें, तो उस परिवार का क्या हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही किया है, उस परिवार को विभाजन करने का काम, जो और जगह विभाजन किए हैं वो भी तो ग्राम पंचायत में विभाजन करने का काम किया। सात निश्चय योजना में बंदरबाड़ जैसे बंदरबाड़ तो हम उससे क्या करते, बंदरबाड़ की स्थिति हो गया, अब हम कहाँ कहाँ ऊपर से नीचे तक किसको किसको बताए, चयन बना हुआ है। हाँ, चयन बना हुआ है, उसमें चयन में कोई भी हो सकता है, मैं भी हम भी हो सकते हैं, लेकिन चयन बना हुआ है। अच्छा, उनका भी शौचालय की यदि बात किया जाए, केंद्र सरकार द्वारा शौचालय हर घर में ये जो शौचालय की बात चल रही है, इसमें आपका जो पंचायत है कहाँ तक सफलता पा रही है? हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें भी कागज़ पर काम ज़्यादा हो रहा है, काम में खास कर खास काम झारखंड की बहुत से पंचायतों में हुई है, मेरे यहाँ भी हो रहा है। और सबसे बड़ा चाहिए कि पहले हम 2 बरस पहले भी हम अपने पंचायत क्षेत्र में काम किए, उसमें पराशर साहब यहाँ भी डीसी थे, बाद में रोहतास जिला में जब डीएम बन के गए तो अच्छे काम किए थे वहाँ, कि वहाँ पूरा रोहतास जिला को डीएफ करने का काम उन्होंने किया, जिसे मैं सुनने में आया। हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं, खास करके जनप्रतिनिधि में अगर कोई ज़्यादा अहम भूमिका अदा करिए तो उसमें मुखिया अहम भूमिका के रूप में है। अगर जिस पंचायत के मुखिया डीएफ की तरफ ध्यान दिए हुए, उस पंचायत का डीएफ निश्चित हो रहा है और वहाँ विकास हो रही है, ओडीएफ मुक्त हो रहा है पंचायत। आपके यहाँ मतलब क्या पोजीशन? मेरे यहाँ अभी खास करके मेरे गांव अलीपुर जो बताया जा रहा है, वहाँ मेरे पंचायत अलीपुर गाँव में वहाँ 80% तक पूर्व में ही हाँ, जहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ कहा गया था सार्वजनिक शौचालय का, कभी तक सार्वजनिक शौचालय दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए, जहाँ पर भूमिहीन लोग रहते हैं, जिनके पास घर रहने की भूमि नहीं है, वो शौचालय के प्रयोग कहाँ से करते हैं, शौचालय कहाँ से निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय भी बनना चाहिए। अच्छा, ये पैसे के मामला जहाँ तक अटके हुए हैं, वो कहना है कि हम शौचालय बनाते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है, कुछ भी इसके आप क्या बताएं? नहीं, इस वक्त हमारे प्रखंड विकास अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं और 6 आदमी हैं, इनका खास शौचालय बहुत अच्छा है, जनप्रतिनिधियों के सहयोग कर जनप्रतिनिधि मिल के अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और जहाँ तक जहाँ भी पंचायत में डीएफ हुआ, जिस वार्ड में डीएफ हुआ, वहाँ भुगतान करने की प्रक्रिया यहाँ पर की जाए।
चलिए बहुत अच्छा लगा। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार को आपको सुझाव दें, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव यही होगा, हमें आपको मालूम होगा ही कि इस बिहार से नीति आयोग की बैठक में जहाँ पर भारत सरकार नीति निर्धारण होता है वहाँ पर बिहार से सिंगापुर से हम गए हुए हैं, और वहाँ पर जब जाने के बाद हमसे पूछा गया कि आप 15 वर्ष का नीति बताइए कि जो पंचायत में क्या किया गया। पंचायत के मामले में हम कहेंगे कि अगर पंचायत से कार्य कराना है तो आप पदाधिकारियों के मार्फत जो जाँच के नाम पर लूट कसोट जो हो रही है, जो सात नीचे में इतना जांच बैठा दिया गया है, अनुमंडल है, प्रखंड है, फिर जिला कमेटी होगी, फिर बिहार कमेटी होगी, तो कुछ फ्रीडम होना चाहिए, काम करने में फ्रीडम होना चाहिए, और इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, हमारे पदाधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जाँच हो पंचायत में, हम सुधारने वाले हम लोग नहीं हैं, जाँच होनी चाहिए, काम हो जाँच होनी चाहिए, लेकिन अब कोई आदमी जैसे मान ली हम ही चुनाव लड़ते हैं, मेरे विरोधी दस आदमी हैं, तो कोई भी एक आदमी दे दिया आवेदन, हम कहेंगे कुछ आवेदन की सत्यता की जांच होनी चाहिए, क्या उसमें सत्य है, और अधिकारी से हम जब भी अधिकारी गण से मिलते हैं तो इस बात की जरूरत है जैसे उसकी सत्यता आप जाँच कर लीजिए, उसके बाद धरातल पर जाँच कीजिए कि पंचायत कार्य कर रहा है कि नहीं, ग्राम पंचायत कार्य कर रहा है, अगर दोषी है कोई भी दोषी हो तो उसका दंड मिलना चाहिए, लेकिन पंचायत को फ्रीडम मिलना चाहिए। 2001 में जो पंचायत की फ्रीडम थी, आज़ादी थी, काम करने की आज़ादी थी, इसे मान लीजिए कि 2001 में था हम लोग आम सभा से चल करके आपका बिरला पेंशन बनाते थे, और आपका अथी आवास के हम लोग करते थे, इंदिरा आवास करते थे, उस समय हम लोग चुन के हम आपको पंचायत में दिखाएंगे, उस समय हमने इंदिरा आवास को किसको ला दिया, और आज की स्थिति है इनका मार्गदर्शन है कि आप सूची का जो हमने भेज दिया है उस सूची के अनुसार आप बनाइए, चाहे वो दो तला वाला हो या पांच तला वाला हो, और उसके बाद कहते हैं कि मुखिया जी आप काटिए मंदाड़ी वाली नजर है। हाँ, अब मान लीजिए हम काटेंगे तो क्या स्थिति होगी हमारी, अब लोगों के बीच में उनको विरोध करने का काम करो, ये पावर ग्राम सभा को मिलना चाहिए कि अच्छे से अच्छे लोगों को जो वाकई में उस गरीबी के रेखा के नीचे हैं उसको लाभ मिलना चाहिए, चाहे उसकी संख्या वो तो ब्लॉक के दलाल बेचारे हैं नहीं, वो तो बेचारे के घर सुबह में निकले कमा धमा के दिन भर गए मजदूरी करके गए घर पर, उनको ब्लॉक खाने की स्थिति है, जो ब्लॉक में आए जो ब्लॉक के दलाली किया वो अपना नाम ऊपर कर लिए, और बेचारा गरीब जनता घर नीचे बैठा हुआ जिसको अति आवश्यक है, ऐसे लोगों को हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, कारण ये है कि उसका क्रमांक नीचे है, तो ये अधिकार ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए कि कम से कम वैसे व्यक्तियों को आप आम सभा के मार्फत चुन कर लाइए आगे लाए और उसको हम लाभ पहुँचाए। चलिए, बहुत आज़ादी मिली, बहुत बड़ी शिवपुरा पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे अभी हमारी बात हुई, इनका कहना है कि देखिए सात निश्चय योजना जो है निश्चित तौर से काफ़ी ऊपर से नीचे तक चयन सिस्टम बना हुआ है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, कार्य बहुत अच्छा है लेकिन जिस तरह का सिस्टम दिया गया है कि ये कराएंगे ऐसे ऊपर से नीचे तक चयन बांध दिया गया है, ये निश्चित तौर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी बात, मुखिया जी ने बताया कि जहाँ तक रही शौचालय की बात तो शौचालय की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत तो अच्छी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा का भी कोई मामला नहीं है, बस मामला यही फंसता है कि हमारी जो हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उससे बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। ग्राम सभा को जो अधिकार देना चाहिए, जहाँ शुरू से जो अधिकार चलते आ रहा है कि हम अपने पंचायत में घूम के देखें कि किसको क्या जरूरत है, कहाँ हमें विकास की जरूरत है, कहाँ किस चीज़ को डेवलप करना है, हम देखते हैं न कि सरकार देखती है, और सरकार अपने से सूची तैयार करके हमको आदेश देती है कि आप ये करें, बिल्कुल ही मदाड़ियों वाली हाल और दशा हो गई है, इससे हम नाखुश है और असंतुष्ट है। यदि सरकार को इन्होंने कुछ सजेशन दिया, इन्होंने बताया कि यदि सरकार मुझे कुछ चाहती है या हम लोगों के लिए कुछ अच्छा चाहती है ताकि विकास हो सके पंचायतों में, तो वो अधिकार जो हमारा पहले था 2001 में जो अधिकार था वो हमें वापस करें। धन्यवाद, संवेदनशील सर शुक्ला कैमरा मैन।